आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रदेश में रेडी ठेली वालों को मौके पर ही मिलेगा लाइसेंस। प्रदेश में स्थानीय निकाय रेडी व ठेली वालों को अब लोन और वेडिंग लाइसेंस मौके पर जाकर देंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुक्रवार को शहरी विकास विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। मोदी ने पुतिन से यूक्रेन पर भारत का रुख दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के हालात पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया। दोनों के बीच शुक्रवार को फोन पर बात हुई। जून में 56% ज़्यादा संग्रह मिले 1.44 लाख करोड़। सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व में जून में भी तेज बढ़ोतरी हुई। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह जून में सालाना आधार पर 56% बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया, तो तीर्थयात्री अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह में प्रवेश का दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया है। रुड़की के मेयर गोयल भाजपा से निष्कासित। अनुशासनहीनता के मामले में भाजपा ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उद्यान निदेशक को हिमाचल में चार्जशीट। हिमाचल की एक सब्सिडी अनियमितता मामले में उत्तराखंड के उद्यान निदेशक डॉक्टर एचएस बवेजा को चार्जशीट जारी की गई है। यह मामला डॉक्टर बवेजा के हिमाचल में उद्यान निदेशक रहते समय का है। उत्तराखंड के छोटे गांवों तक पहुंचेगी सड़क। प्रदेश में 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत होगी। ग्रामीण निर्माण विभाग इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्राइमरी स्कूल में खोल दिया डिग्री कॉलेज। हरिद्वार शहर के लिए सरकार ने पिछले साल राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला स्वीकृत किया था, लेकिन कॉलेज के लिए स्थायी भवन और जगह अब तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में फिलहाल श्री मोहनानंद आश्रम भीमगोड़ा के 5 कमरों में कुल 77 छात्रों के साथ कॉलेज चल रहा है। पॉलिथीन के खिलाफ दिखावे का अभियान। तो केंद्र और राज्य सरकार ने पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद शुक्रवार को दून के ज्यादातर इलाकों में पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी रहा। उत्तराखंड में वाहनों का किराया बढ़ाने पर 13 को होगा फैसला। तो सार्वजनिक यात्री वाहनों का किराया वृद्धि को लेकर के लंबे समय से जारी उपपो 13 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। सरकार की हरी झंडी के बाद परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन प्राधिकरण बैठक की तारीख तय कर दी है। 13 जुलाई को परिवहन आयुक्त मुख्यालय में एसटीए की बैठक होगी। पुलिस भर्ती के फिजिकल से छोटी युवतियों को मौका, तो पुलिस लाइन में चल रही महिला फायरमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तय समय पर फिजिकल देने से छोटी युवतियां 5 और 6 जुलाई को फिर से फिजिकल की प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। पहले होने थे 7,990 तबादले, अब होंगे सिर्फ 1,198। तो तबादलों में 15% का मानक लागू होने से एलटीओ प्रवक्ता कैडर में अनिवार्य श्रेणी के तबादले की संख्या 7,990 से घटकर 1,198 रह गई है। 5 को भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ अनेक स्थानों व मैदान क्षेत्रों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। 5 जुलाई को 4 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 3-4 को भी प्रदेश में बारिश का क्रम जारी रहने का अनुमान लगाया है। देहरादून में आज भी बारिश की संभावना। तो देहरादून में शनिवार को भी आसमान में आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बारिश के 1 या 2 दौर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सहारनपुर से लाया गया 3 क्विंटल पनीर नष्ट किया। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सहारनपुर से आई पनीर की खेप पकड़ी, जिसे सैंपल लेने के बाद नष्ट करवा दिया गया।
दून घूमने के बहाने आए दो युवकों ने चुराई थी ज्वेलरी शॉप से 12 अंगूठियां। तो धर्मपुर की ज्वेलरी शॉप से सोने की 12 अंगूठियों से भरा डिब्बा उठाकर भागे युवक और उसके साथी को पुलिस ने हरिद्वार से पकड़ लिया है। दून और मसूरी में गूंजे भगवान जगन्नाथ के जयकारे। तो दून में दीपलोक कॉलोनी में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ माँ सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना के बाद धूमधाम से शुरू हुई रथ यात्रा। तिलू रोतेली पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने तिलू रोतेली पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 22 महिलाओं को यह पुरस्कार मिलेगा। नूपुर शर्मा देश से माफ़ी मांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के निलंबित नेता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है, इसके लिए वह अकेले जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने नूपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। नकली दवा बनाने वालों के तार असली कंपनियों से जुड़े। तो रुड़की में नकली दवाएं बनाने वाले रैकेट के तार असली दवा कंपनियों तक पहुंच गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने एसटीएफ को बताया कि वह दवा कंपनियों के कर्मचारियों से उनका रिजेक्ट रॉ मटेरियल व दवाइयां खरीदते थे, उसके इस्तेमाल से नकली दवाएँ बनाते थे। मुफ्त सिलेंडर पहले खरीदे बाद में मिलेगा पैसा। तो अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर देने का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। इस योजना के दायरे में आने वाले व्यक्ति को पहले खुद गैस सिलेंडर खरीदना होगा, इसके बाद तेल कंपनियां डीबीटी के जरिए उपभोक्ताओं के बैंक खाते में गैस सिलेंडर के मूल्य के बराबर राशि जमा कराएंगी। श्रीनगर में डॉक्टरों का सम्मान किया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में नेशनल डॉक्टर डे को भव्य रूप से मनाया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तरकाशी पुलिस अलर्ट। तो कांवड़ सीजन के नज़दीक आते ही उत्तरकाशी का पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। चचेरी बहन से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा। तो गोपेश्वर से खबर आई है। जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने ताऊ की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कार हादसे में पति की मौत, पत्नी घायल। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए पर टिहरी कोटेश्वर के भांसो गांव के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर के लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गई। दुर्घटना के चलते कार में सवार दंपति में से पति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी को इलाज के लिए 108 की मदद से जिला अस्पताल बोराड़ी लाया गया है। वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से, यात्री या बस के ब्रेक फेल, बार बार बचे सभी यात्री। तो मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के पास एक यात्री बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक न लगने पर चालक ने बस को ऑल वेदर रोड के किनारे बनी नाली पर टकरा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसमें के साथ मौरी का युवक गिरफ्तार। तो पुरोला थाना पुलिस ने मौरी के एक युवक को 8.30 ग्राम अवैध इसमें के साथ गिरफ्तार किया है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ में खुला। बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ में पहाड़ी से लगातार पत्थरों की बरसात जारी है। शुक्रवार देर शाम 8:30 बजे हाईवे खोल दिया गया। वाहनों की आवाजाही शुक्रवार को भी खाकरा छाती खाल और खाकरा खेड़ा खाल वैकल्पिक मोटर मार्ग से हुई। वहीं एसडीएम सदर अपर्णन डोंडियाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। केदारनाथ में 71 लोगों का किया कोटवा में चालान। दुकानों में तंबाकू पदार्थों को लेकर हुई कार्रवाई, पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। विश्व अध्यक्ष ऋतु ने दिखाई हरी झंडी। तो बेसहारा पशुओं से कोटद्वार शहर को मुक्त करने के लिए अभी तक नगर निगम की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए थे, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी भूषण ने आवारा गौ वंशों को गौशाला भेजने के लिए अभियान प्रारंभ किया है। केदारनाथ धाम में घटी तीर्थयात्रियों की संख्या। खेलों के प्रोत्साहन को छात्रों को मिलेंगे 1500 प्रतिमाह। तो उत्तराखंड में खेलों के प्रोत्साहन के लिए 8 साल से लेकर 14 साल तक के छात्रों को प्रतिमाह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। बैंक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सहकारी बैंकों में हुए भर्ती घोटाले पर एक बार फिर सरकार पर हमला बोलकर सीबीआई जाँच की मांग की है।
15 जुलाई तक करें आवेदन। तीसरी खबर यही है, बीए बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राएं आगामी 1 जुलाई से महाविद्यालय की वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजी कॉलेज नई टिहरी के प्रधानाचार्य ने यह जानकारी दी है। घर पर ही क ख ग पढ़ाएंगे, स्कूल बस से शिक्षक आएंगे। तो आर्थिक और विभिन्न पारिवारिक दिक्कतों के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाने वाले श्रमिकों के बच्चों को अब घर पर ही शिक्षित किया जाएगा। श्रम विभाग की ओर से ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन ऑन व्हील योजना जल्द शुरू की जा रही है। इंतजार बढ़ा, इस साल पहाड़ से नहीं उतर पाएंगे हजारों शिक्षक। तो अधिकतम सीमा तय होने से 12,000 से अधिक शिक्षक तबादले की जद से बाहर आए। उत्तराखंड की 3 लाख महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। तो केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना पर प्रदेश में काम शुरू हो गया है। भर्ती घोटाला, बैंक के पूर्व अध्यक्ष व निदेशक बर्खास्त। तो जिला सहकारी बैंक में 19 पदों पर हुई भर्ती घोटाले को लेकर के की गई शिकायत के 4 साल बाद जिला सहकारी बैंक की प्रबंध समिति ने बहुमत के आधार पर पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान निदेशक सुशील चौधरी को निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2022 को आयोजित मुख्य अग्निशमन परीक्षा अधिकारी परिषद द्वारा 21 की स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम 1 जुलाई 2022 को घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.pse.uk.gov.in पर उपलब्ध है। विषय संयोजन में गड़बड़ी पर नहीं दे पाएंगे बोर्ड की परीक्षा। तो 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में CBSE ने दिखाई सकती। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से साल 2024 के लिए 1 जुलाई से 9वीं और 11वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने संबंधित स्कूलों को निर्देश देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान बच्चों के नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। श्रद्धे सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 6 को होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 272 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें टीचर्स के पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IREL इंडिया लिमिटेड में 92 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कलर के पदों पर मौके तो 6,035 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो IBBS ने जारी किया कलर्क भर्ती का नोटिफिकेशन। तो इसमें न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। संचार एवं IT मंत्रालय डाक विभाग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ पर ड्यूटी जाने वाले चिकित्सकों को 50% ज़्यादा वेतन। तो राज्य में दुर्गम और अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी चिकित्सकों को सरकार सुगम में तैनात चिकित्सकों के मुकाबले 50% अधिक वेतन देगी। घटी छात्रों की संख्या पर करें चिंतन। तो सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने की चुनौती व गुणात्मक शिक्षा के उपायों पर शिक्षक मंथन करें। छात्रों की संख्या घटने के कारणों पर गहनता से ध्यान देने की सख्त जरूरत है। यह बात शुक्रवार को शिक्षा विभाग के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू किए 16 नए कार्यक्रम। तो स्मार्ट सिटी विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा स्तर के हैं कार्यक्रम। कोरोना के संक्रमण दर 3% के पार, 40 नए मामले। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अभी दहाई के आंकड़ों में ही दिख रही है, और इसकी वजह है जाँच का बेहद सीमित किया जाना। 20 रुपये की चौमिन 100 रुपये का चालान। तो प्रतिबंधित पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर नगर निगम टीमों ने कार्रवाई की। वह खबर है, देहरादून से तमंचे व जाली करेंसी सप्लाई के दोषी को 7 साल की सजा हुई।
कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को काशीपुर में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट की ओर से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत प्रतिभावान निर्बल छात्राओं के साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए पहल की है। उत्तराखंड में अग्निवीरों की भर्ती 19 अगस्त से 12 सितंबर तक। तो सेना में लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ के अग्निवीरों की भर्ती रैली कानपुर में 20 अक्टूबर से होगी, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला मिलिट्री पुलिस में योजना के तहत जनरल ड्यूटी के पदों की भर्ती लखनऊ में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक होगी। वहीं उत्तराखंड के लैंसडाउन, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में राज्य के युवाओं के लिए 19 अगस्त से 12 सितंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर 198 चालकों के डीएल निरस्त किए गए। कार हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई जबकि पत्नी घायल हो गई। 718 प्रवक्ताओं को ग्रेड पे बढ़ोतरी का लाभ। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के 6 जिलों के 10 वर्ष से सेवाएं दे रहे 718 प्रवक्ता को सरकार ने ग्रेड पे में बढ़ोतरी का लाभ दिया है। कोटद्वार से खबर है, नगर निगम सख्त, हटाए गए खोखे। तो पॉलिथीन की जब्त अभियान के दौरान खोखा संचालकों ने भी किया कार्रवाई का विरोध। मलबा आने से 48 घंटे बाद भी बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगड़ में बंद। तो प्रशासन ने वाहनों को छाती खाल और खेड़ा खाल मोटर मार्ग से किया डाइवर्ट। बस के ब्रेक फेल होने से 18 तीर्थयात्रियों की बाल बाल बची जान। नेपाल में पकड़े गए 150 चीनी साइबर अपराधी। तो नेपाल पुलिस केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने की छापेमारी। वह खबर है, अल्मोड़ा से लमगड़ा में बनेगा 30 बेड का अस्पताल। 4 ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए खुली, 3 अभी बंद। तो अल्मोड़ा में दिन भर आंशिक बादलों के बीच खिली रही धूप। बागेश्वर में 4 दिन से पानी की नहीं गिरी बूंद। वही खबर आई है, बागेश्वर से तेलीहाट गांव के घर में घुसा गुलदार। तो तेलीहाट गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को डीएफओ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक छाया हुआ है, वह पालतू मवेशियों को निवाला बना रहा है। शिक्षकों की तैनाती से चरमराई शिक्षा। तो शिक्षाविद व जागरूक लोग बोले, आउटसोर्स से ही हो बीआरपी और सीआरपी पदों पर लोगों की तैनाती। अल्मोड़ा जनपद में बढ़ रहे नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले। तो पहाड़ों में भी अब अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अल्मोड़ा जिले महिला संबंधी अपराध दुष्कर्म के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में जिले में दुष्कर्म के 50 मामले सामने आए, जिसमें 80% नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हुआ। आपदा नियंत्रण तैयारियों की पोल खुली। तो कुंवारी के लोग द्वारा 13 से विस्थापन की बांट जो रहे, अब तक नहीं हुआ पुनर्वास। हल्द्वानी से खबर है, याचिकाकर्ता के घर पहुंचे कई संदिग्ध, पुलिस अलर्ट। तो बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने की याचिका वापस लेने की मांग। आरटीई की 47% सीटें खाली, 25 अगस्त तक आवेदन का मौका। तो निजी स्कूलों में आरक्षित हैं 33,672 सीटें। वहीं खबर यही है, धारचूला पिथौरागढ़ से भारी वर्षा और हल्के हिमपात से अंतिम गांव सीपू में मकान ध्वस्त। 14 मार्गों पर अभी भी यातायात बाधित है, 10 मार्गों पर आवागमन शुरू हुआ है। 8 अगस्त से शुरू होगा देवी धुरा का बगवाल मेला। तो मेले को लेकर के जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के लोगों के साथ बैठक की। दारमा में खाई में गिरा वाहन, एक की मृत्यु। तो उच्च हिमालय दारमा की तवाघाट सोबला दारमा मार्ग पर बॉलिंग और दुंगतू के बीच एक स्कॉर्पियो वाहन खाई में गिर गया। कार में सवार 3 लोगों में से एक की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को संयुक्त अस्पताल धारचूला लाया गया है। 8 से 10 तक पिथौरागढ़ में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। तो पुष्कर सिंह धामी के 3 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के मूल गांव डुंडी और बारमो में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे।
धारचूला उद्योग व्यापार मंडल चुनाव का ऐलान, 17 जुलाई को होगा मतदान। पंत ने लगाया सबसे तेज शतक, जडेजा के साथ 222 रन के रिकॉर्ड साझेदारी। तो ऋषभ पंत एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचक साबित हुए। आसमान पर छाए बादल के बीच अपने 40वें जन्मदिन पर 29 दिन दूर खड़े जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी के आगे भारत की आधी टीम महज 98 रन पर सिमट चुकी थी। नीरज को 90 मीटर तक भाला फेंकने का यकीन, तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता। शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य संधू को जिला कोर्ट से राहत, जिला सत्र न्यायाधीश ने सजा और अर्थदंड दोनों निलंबित किए। प्रदेश में 83 सड़कें बंद, 40 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया बद्रीनाथ हाईवे। अनफिट रुपए से जान सांसद में, तो पर्यटकों की जिंदगी के साथ रुपए भ्रमण कराने के नाम पर पालिका प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। ब्रिटकुल अफसरों के मुताबिक माल रोड पर संचालित रुपए को 3 साल पूर्व उपयोग के लिए अनफिट पाया गया था और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। रुपए के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई। अतिरिक्त कोच हरिद्वार से लगाने से लोग बेहाल, तो यात्रियों को हरिद्वार तक बिना सीट के करनी पड़ रही है यात्रा। मसूरी में खुला CGST का दफ्तर। नगर परिक्रमा पर निकले भगवान श्री जगन्नाथ, श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल। नई ट्रेन से खबर, एक कार खाई में गिरी, पति की मौत, पत्नी घायल हो गई। जीरो ब्रिज देवप्रयाग मार्ग पर हुआ दुर्घटना। वही खबर आई है गोपेश्वर से, खचड़ा नाले में खुलता और बंद होता रहा हाईवे, तो बद्रीनाथ हाईवे खुलने पर तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। केदारनाथ धाम की यात्रा हुई बहाल, तो गौरीकुंड में 6,346 श्रद्धालु धाम के लिए रवाना हुए। उत्तरकाशी खबर है, घी का सैंपल फेल, दर्ज होगा मुकदमा, तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने अक्टूबर में हरसिल से लिया था सैंपल। दिल्ली पुलिस फर्जी भर्ती मामले में 5 अभियुक्तों को कारावास हुई। हुई खबर है, देवप्रयाग से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र किए गए सम्मानित। हार का ठीकरा फोड़े जाने पर झलका हरीश का दर्द, बोले कहा जा रहा है कि हरीश रावत ने हरवा दिया, नहीं तो कांग्रेस सरकार बन जाती। थल सेना और नौसेना ने भी शुरू की अग्निवीरों की भर्ती, तो वायुसेना को 6 दिन में मिले 272,000 आवेदन। बात करते हैं की खबरों की, JSP ने खोला मुंह, तो शहर की सड़कें ने खुले में ली सांस, तो प्रशासन ने शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा तक चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 6 को होगा। प्लास्टिक पर रोक बिकता रहा बिना रोक टोक। वही खबर आई है, 115 रुपये में कराए 1 बीघा फसल का बीमा, तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करता हूं नैनीताल खबरों की, तो छुट्टियां खत्म, स्कूल खुले, तो दोस्तों से मिले चेहरे खिले, तो गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई है। CBSE बोर्ड के कई स्कूल शुक्रवार से खुल गए। गर्भवती थी फांसी लगाने वाली नाबालिग लड़की, तो मंडी चौक क्षेत्र में 3 दिन पहले किशोरी ने फांसी लगा ली थी। पुलिस को नेपाल निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वह उसकी पत्नी थी। हालांकि शुक्रवार को जब उसके परिजन हल्द्वानी पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि वह नाबालिग थी और गर्भवती भी थी। पुलिस ने कथित पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। आदि कैलाश दर्शन से लौट रहे यात्रियों को सुरक्षित धारचूला पहुंचाया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 14 सड़कें बंद हो गई है। पहाड़ी से गिरे बोल्डर से शटरिंग की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। वही खबर, धारचूला से बॉलिंग में स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 2 घायल हो गए। वही खबर है, टनकपुर से रिश्तेदारी में आया ग्रामीण, शारदा नदी में बहा। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्थापना दिवस, तो 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर पूर्व सैनिकों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। पूर्णागिरि धाम में 2 दिन से ठप है पेयजल आपूर्ति। पिथौरागढ़ से खबर है, बालीचंद मंदिर में सोने के छत्र जनेऊ चोरी हुए, तो पिछले कई समय से लगातार बढ़ रही है मंदिरों में चोरी की घटनाएं। चंपावत से खबर है, तेंदुए ने बैल को बनाया निवाला।
सीएम करेंगे बग्वाल मेले का शुभारंभ। तो 8 अगस्त से शुरू होने वाले बग्वाल मेले की तैयारियों के लिए बैठक हुई। वही खबर है चंपावत से, आज से समुदाय विशेष के व्यापारी खोलेंगे दुकानें। तो व्यापार संघ की बैठक में दुकानें खोलने पर बनी सहमति। जवान केदार कोरंगा ने फतह की काला नाग चोटी। तो बागेश्वर से खबर आई है, बीएसएफ की 8 सदस्य टीम में थे शामिल। 8 मोटर मार्गों पर सुचारू नहीं हुआ यातायात। तो बागेश्वर से खबर है, बागेश्वर में प्रशासन ने 18 सड़कें में से 10 में यातायात सुचारू करवाया। वही खबर आई है, द्वारा हाट से दामीकरण के लिए 15 जुलाई से अनशन। तो कफड़ा तिपोला मोटर मार्ग का मामला, रिकॉर्ड तोड़ेगी कांवड़ यात्रा, 4 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो रोटरी में कन्या कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वही खबर आई है, रुद्रपुर से घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म, भीड़ ने आरोपी युवक को पीटा। तो किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पीड़ित के परिजनों ने पकड़कर पीट दिया, बाद में उसे पुलिस के को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की मांग। तो राष्ट्रीय योगी सेना ने SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन।